गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारे ऑनलाइन क्लासेज में 11th की जो ऑनलाइन क्लास लग रही है उसमें फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, उसमें जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत। सबसे पहले डॉल्टन ने ही परमाणु के बारे में बताया था, डॉल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसमें इसने कुछ अवधारणाएं दी थी, कुछ पॉइंट बताए थे जो परमाणु सिद्धांत की अवधारणाएं कहलाती हैं। इसकी जो परिकल्पना थी वो क्या थी? सबसे पहली परिकल्पना तो ये थी कि द्रव्य छोटे छोटे अविभाजित कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु। सबसे पहला जो इसने बात बताई थी परमाणु के बारे में कि द्रव्य अविभाजित सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, परमाणु या एटम, परमाणु एटम कहते हैं। और ये जो परमाणु होते हैं ये ही रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। ये इसकी पहली अवधारणा थी कि प्रत्येक पदार्थ अविभाजित सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, उन कणों को हम क्या कहते हैं, परमाणु, और परमाणु ही रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। दूसरी अवधारणा क्या थी कि एक ही तत्व के समस्त परमाणु सभी गुणों में समान होते हैं। मतलब जैसे उनका परमाणु संख्या, परमाणु आकार या द्रव्यमान, आकृति, आकार व द्रव्यमान में, ठीक है। ये दूसरी अवधारणा थी। तीसरी अवधारणा थी कि अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। चौथी अवधारणा इसकी क्या थी कि एक ही प्रकार के अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर यौगिक या अणु बनाते हैं। एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग कर यौगिक या अणु बनाते हैं। ठीक है ना, जैसे H2O, ग्लूकोज, ऐसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन संयोग करके जल बनाते हैं, या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन संयोग करके ग्लूकोज बनाती है, तो उस तरह से।
ये पूर्ण संख्या में संयोग करते हैं। परमाणु पूर्ण संख्या के अनुपात, पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करते हैं। और लास्ट इसकी अवधारणा क्या थी कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। परमाणु को किसी भी प्रकार ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये छह अवधारणाएं जो आपके क्या है, डॉल्टन का सिद्धांत कहलाता है, डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, उसकी छह अवधारणाएं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे डॉल्टन के सिद्धांत में संशोधन। डॉल्टन के सिद्धांत में संशोधन ले लिया भाई, इसका स्क्रीनशॉट। ये तो डॉल्टन ने परमाणु सिद्धांत में जो अवधारणाएं दी थी वो थी, पर इनमें भी संशोधन किया गया फिर बाद में, तो डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन। ये तो आप 9वीं-10वीं क्लास में पढ़ चुके हो, छोटी क्लासों में ही आ जाता है ये, पर इसमें अब क्या क्या बाद में क्या क्या संशोधन हुए परमाणु सिद्धांत में संशोधन। देखो सबसे पहला संशोधन तो क्या था कि डॉल्टन ने कहा था परमाणु अविभाजित कण है, मतलब परमाणु सबसे छोटा कण है, इसको आगे हम विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन बाद में पता लगा कि परमाणु विभाज्य है और ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जैसे परमाणविक कणों से मिलकर बना है। तो परमाणु विभाज्य है, यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। पहला तो संशोधन यही हो गया कि परमाणु को भी आगे विभाजित किया जा सकता है। दूसरा क्या है, दूसरे उसमें बताया था कि एक ही तत्व के परमाणु समान गुण वाले होते हैं, लेकिन बाद में पता लगा कि एक ही तत्व के परमाणुओं के भी द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, समस्थानिक। एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं, जिन्हें आइसोटॉप्स या समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण के लिए 1H1, 1H2 और 1H3 हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं, प्रोटियम, इसे ड्यूटेरियम और ये ट्राइटियम। इसका द्रव्यमान 1 है, इसका द्रव्यमान 2, इसका द्रव्यमान 3 है।
तो तीन हाइड्रोजन एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु हो गए, गुणों में भिन्न हो गए ना, परमाणु द्रव्यमान बदल गया। तो दूसरी अवधारणा में यह संशोधन किया गया, क्योंकि डाल्टन ने बोला था कि एक ही तत्व के परमाणु सभी गुणों में समान होते हैं, लेकिन ये क्या आ गया, उसका अपवाद आ गया समस्ता में। फिर अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान समान होते हैं, द्रव्यमान समान होते हैं। जैसे 6C14 व 7N14 कार्बन और नाइट्रोजन तत्व है, दोनों के द्रव्यमान 14-14 है, तो ये समान है। ऐसे तत्व संभारिक तत्व भी कहलाते हैं, जिनके परमाणु द्रव्यमान क्या हो, समान हो, संभारिक, आइसोबार। फिर आगे इसमें क्या संशोधन किया गया, हाँ भाई, चौथा संशोधन क्या किया गया कि परमाणु के संयोजन का अनुपात लघु पूर्णांक में हो यह आवश्यक नहीं है। परमाणुओं का संयोजन लघु पूर्णांक में हो यह आवश्यक नहीं है। सरल अनुपात में संयोग करें जरूरी नहीं है, पॉइंटों में भी कर सकते हैं, दशमलवों में भी कर सकते हैं। और लास्ट इसका संशोधन क्या था कि नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा एक परमाणु को दूसरे परमाणु में बदला जा सकता है। बदला जा सकता है। ये आपके 5 इनके क्या हो गए, संशोधन हो गए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में। ठीक है भाई, ये आपके डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, उसमें संशोधन हो गए। नोट कर लीजिए क्या क्या संशोधन किए गए थे। अब देखते हैं अगला टॉपिक, बर्जीलियस की अवधारणा। बर्जीलियस साइंटिस्ट था जिसने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और गेलुसाक के लॉ को मिला के अवधारणा दी थी। बर्जीलियस की अवधारणा, बर्जीलियस ने क्या कहा था कि समान ताप व दाब पर समस्त गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। बर्जीलियस की अवधारणा,
इसने क्या कहा था कि इसके अनुसार ताप व दाब की समान परिस्थितियों में, ताप व दाब की समान परिस्थितियों में ताप व दाब की समान परिस्थितियों में भिन्न गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है, संख्या समान होती है। ये इसने अवधारणा दी थी। लेकिन अगर हम इसकी अवधारणा को चेक करते हैं तो ये रासायनिक संयोग का पालन नहीं करती। इसको अगर अपन रासायनिक अभिक्रिया में देखते हैं कि ये बात सही है या नहीं, तो उसे हम चेक करते हैं। उदाहरण लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। अब हमें पता है जब हम एक आयतन इसका लेते हैं, एक आयतन इसका लेते हैं, तो हाइड्रोजन क्लोराइड के दो आयतन बनते हैं, H2Cl2 is given to 2HCl। तो इसका एक आयतन लिया, इसका एक आयतन लिया, तो इसके दो आयतन बने। अब वो कह रहा है कि ताप व दाब की समान परिस्थितियों में भिन्न गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। मान लो एक आयतन में n परमाणु है, तो यहां n परमाणु, इसके n परमाणु से क्रिया करेंगे और 2n परमाणु इसके बनाएंगे, 2n अणु, 2n अणु बोल लो या यौगिक परमाणु बोल लो। अब मान लीजिए n बराबर मैं एक ले लेता हूं, एक परमाणु, अपन क्या कहेंगे, एक परमाणु इसका, एक परमाणु इसका, और इसके दो अणु बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, दो अणु, ठीक है यहां तक। अब मुझे इसका एक अणु बनाना है, HCl का एक अणु बनाऊंगा तो यहां क्या चाहिए, इसका आधा परमाणु और इसका भी आधा परमाणु। इसका बोला आधा परमाणु हाइड्रोजन और आधा परमाणु क्लोरीन मिलके HCl का एक अणु बनाते हैं। लेकिन क्या ये सही है, क्या परमाणु तो आगे विभाजित ही नहीं होता, डॉल्टन के अनुसार परमाणु एक इकाई है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, सूक्ष्मतम इकाई। जब एक इकाई है तो परमाणु को आधा थोड़ी तोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी ये अवधारणा में कुछ कमी है, ये सही नहीं है, ये रासायनिक संयोग की व्याख्या नहीं करती। बर्जीलियस की अवधारणा रासायनिक संयोग की व्याख्या करने में असफल हो गई। भाई परमाणु एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, लेकिन आधा नहीं हो सकता। डॉल्टन ने पहले ही बोल दिया था कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है। तो इसकी ये अवधारणा क्या हो गई, गलत। इसके स्थान पर फिर अवोगाद्रो ने अपने बर्जीलियस की परिकल्पना में संशोधन किया और एक अपना नियम दिया जिससे ये सही हुआ, परमाणुओं के संयोग के नियम पता लगे। तो उसको देखते हैं अपन, अवोगाद्रो परिकल्पना। बर्जीलियस की परिकल्पना में अवोगाद्रो ने संशोधन किया था, तो उसी को देखते हैं अपन।
अवगाध्रो परिकल्पना। उसी से उदाहरण सही हो जाएगा, अवगाध्रो परिकल्पना। अठारह सौ ग्यारह में बर्जीलियस की अवधारणा में संशोधन किया, और संशोधन में ज्यादा कुछ उसने नहीं किया, परिकल्पना तो वही रहने दी, समान ताप व दाब के परिस्थितियों में भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतनों में, बस परमाणु के जगह अणु शब्द का प्रयोग कर दिया, अणुओं की संख्या समान रहती है, अणुओं की संख्या क्या रहती है, समान रहती है, ये कर दिया बस, बाकी देखो वही है। बर्जीलियस ने परमाणु शब्द लिया था, यहां पे उसने क्या ले लिया, अणु, इतना सा संशोधन किया है इसमें। अब देखो उसी से चलते हैं, समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान रहती है, तो इस चीज को चेक करो, हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, एक आयतन दो आयतन बना रहे, अब एक आयतन में एन अणु है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, परमाणु की जगह अणु शब्द काम में ले लो, एन अणु इसके, एन अणु इसके मिलके टू एन अणु बना रहे हैं, अब एन बराबर अपन ने क्या मान लिया, एक अणु, एन बराबर क्या मान लिया, एक अणु, तो एक अणु इसका, एक अणु इसका, इसके क्या बना रहा है, दो अणु, अब मुझे इसका एक अणु चाहिए, तो इसका आधा अणु और इसका आधा अणु, अब देखो अणु आधा हो सकता है, आधा अणु का मतलब क्या है, एक परमाणु, आधा अणु का मतलब क्या है, एक परमाणु, तुम खुद देखो H2 क्या है, अणु, अब मैं आधा अणु लिखूंगा तो H क्या आ जाएगा, परमाणु, तो एक परमाणु इकाई बनी रहेगी, तो इससे ये रासायनिक संयोग की व्याख्या होगी कि एक आधे अणु में एक परमाणु होता है, तो डोल्टन का सिद्धांत भी बना रहा और गैलोसेक का सिद्धांत भी बना रहा, भाई अणु है जो परमाणु में टूट गए, अपन को एक अणु चाहिए तो आधा आधा अणु इनका ले लिया, आधे अणु में क्या होगा, हाइड्रोजन का एक परमाणु क्लोरीन का एक परमाणु, क्योंकि ये अणु का मतलब एच टू अणु, एच टू में आधा करोगे तो परमाणु आ जाएगा, तो परमाणु संयोग करके एक अणु बना दिया, तो इससे क्या हो गया, सिद्ध हो गया अवोगाद्रो ने बर्जीलियस की परिकल्पना में जो गलती हुई थी उसको सिद्ध कर दिया, केवल ये कह के कि ताप दाब के समान परिस्थितियों में भिन्न गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। अब कल से हम जो पढ़ेंगे वो अवोगाद्रो परिकल्पना के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, कि इस परिकल्पना से अपन क्या क्या चीजें सिद्ध कर सकते हैं, क्या क्या काम आती है, ये अवगाद्रो परिकल्पना स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, इसका दोनों एक जैसी है, बस परमाणु और अणु का अंतर है।